नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली वैक्सीन को मिली मंजूरी। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत को एक और बड़ा हथियार मिल गया है। अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली वैक्सीन को भारत ने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। जॉनसन एंड जॉनसन ने शुक्रवार को ही सिंगल डोज वाली अपनी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी। इस दरअसल ये भारत में उपलब्ध पांचवी वैक्सीन हो गई है। खास बात यह है कि जॉनसन एंड जॉनसन की ही वैक्सीन सिंगल डोज वाली पहली वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल भारत में किया जाएगा। मांडविया ने ट्वीट किया कि भारत ने टीके के अपनी डिलिया यानी बास्केट को और बढ़ा दिया है। भारत में जॉनसन एंड जॉनसन के एक खुराक और वाले COVID-19 रोधी टीके को आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली। अब भारत के पास आपात इस्तेमाल के लिए 5 टीके हैं। इससे संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में देश के समग्र प्रयासों को और मजबूती मिलेगी। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, अमेरिकी की दवा कंपनी ने अपने टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए शुक्रवार को आवेदन किया था और भारत के औषधि महानियंत्रण यानी DCGI ने इसे मंजूरी दे दी। भारत ने जिन 5 टीकों का आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है वो है सीमर इंस्टीट्यूट का कोविशील्ड, भारत बायोटेक का कोवैक्सीन, रूस का स्पुतनिक वी और मॉडर्ना का टीका का जॉनसन एंड जॉनसन का टीका। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, मॉडर्ना और स्पुतनिक वी ये चारों डबल डोज वाले वैक्सीन है। इसकी मदद से 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश में 50 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी है। जॉनसन एंड जॉनसन ने इससे पहले अपने टीका का 18 से 60 वयोवर्ग और 60 वर्ष से अधिक वयो के लोगों के दो समूह में कम से कम 600 लोगों का तीसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण करने की मंजूरी मांगी थी ताकि इसके सुरक्षित होने, निरीक्षण होने आदि के बारे में पता लगाया जा सके। लेकिन कंपनी ने 29 जुलाई को अपना प्रस्ताव वापस ले लिया था। अधिकारी ने कहा, आवेदन क्लिनिकल परीक्षण करने के दिया गया है और जब हमने ढील देने वाले निर्देशानि जारी किए जिसमें हमने कहा था कि अगर इससे आप अन्य देशों के अन्य निकायों को मंजूरी हो तो क्लिनिकल परीक्षणों से छूट मिल सकती है और आपात इस्तेमाल को भी मंजूरी दी जा सकती है और परीक्षण बाद में शुरू किया जा सकता है जो अब जब उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है और उन्हें आवेदन वापस ले लिया है।